फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कृषि कानूनों को लेकर चले आ रहे किसान आंदोलन का असर अब नजर आने लगा है। जाहिर है कि यह सत्ताधारी पार्टी भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं माने जा सकते। तेहवी जैसे कार्यक्रम में शामिल होने गए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, मुर्दाबाद के नारे लगे और अंत में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच मारपीट हो गई। कई लोगों को चोटें आई। रालोद नेता जयंत चौधरी ने इस पर कहा कि यदि किसान हित में बात नहीं होती तो कम से कम व्यवहार तो अच्छा रखो, किसान की इज्जत तो करो। इसमें भी जयंत चौधरी ने बड़ी चतुराई से सवाल भी किया कि इब कानून के फायदे बताने जा रहे सरकार के नुमाइंदों की गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे गांव वाले? यह सवाल है लेकिन उकसाने वाला, यह निशाना सरकार पर है। संजीव बालियान के साथ हो रही इन घटनाओं ने जाहिर है कि भाजपा की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। वहीं किसान भी अपना आंदोलन जारी किए हुए हैं। गाजीपुर व दिल्ली की सीमाओं पर तो धरना चल ही रहा है, लेकिन अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग जिलों में आयोजित की जा रही किसान पंचायत भी भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी हुई है। समझा जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात देने की है तैयारी मात्र है। आज मेरठ के रोहटा गांव में किसानों ने गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर अपने विरोध को और मजबूती दे दी है। आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव सौरम में तेहरी में शामिल होने गए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को देखकर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस की मौजूदगी में मंत्री समर्थक और ग्रामीणों में मारपीट हुई, इसमें चार लोग घायल हो गए। मामले को लेकर गांव की चौपाल पर रालोद और भारतीय किसान यूनियन की पंचायत हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान में उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर दी। तय हुआ कि अब 26 फरवरी को सौरम में महापंचायत होगी, जिसमें अगली रणनीति तय की जाएगी। उधर मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने आज मीडिया से बात करते हुए सौरम की घटना पर दुख जताया, साथ ही कहा कि वह समाज को बढ़ता नहीं देख सकते। राष्ट्रीय लोकदल की मानसिकता सही नहीं है, वे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। वह सौरम की घटना को लेकर हर जांच के लिए तैयार है। लोकदल नेताओं की कॉल डिटेल निकाली जाए, अगर मेरी गलती निकलती है तो मैं दिल्ली चला जाऊंगा। उनका यह भी कहना है कि मस्जिदों से ऐलान कर वहां भीड़ इकट्ठा की गई। दिल्ली हिंसा में लाल किले पर मौजूद नेता कुछ ही मिनटों में सौरम में भी मौजूद थे, जिससे खुद साबित होता है कि रालोद ने यह षड्यंत्र रचा है। सौरम में 20,000 की आबादी है और 14,000 वोटर हैं, लेकिन केवल 6 लोग विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, वे सभी रालोद के नेता हैं। ऐसे लोग 2013 में कहां चले गए थे जब सौरम के लोगों पर हमला हुआ था। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की ओछी हरकत छोड़कर 2022 के चुनाव में रालोद आ जाए तो अपनी ताकत उसको पता चल जाएगी। 2014 में भी उन्हें हराया था और 2019 में भी, और अब 2022 में भी हराएंगे। आइए देखते हैं क्या कहा डॉक्टर संजीव बालियान ने। ये बहुत जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हूँ। वे खुश होंगे, उन्हें खुश होने का, क्योंकि उन्होंने हमेशा राजनीति दिल्ली से बैठ के की, जनता के बीच में कभी नहीं की। दिल्ली से भावनाएं बढ़ा के राजनीति की, हम लोगों ने पसीना बहा के लोगों के बीच में लोगों की सेवा करके राजनीति की। वहीं पर बड़े नेता जो 26 जनवरी की घटना में लाल किले में थे वो वहाँ मौजूद थे। मेरे निकलते ही हत्तापाई हुई, वे लोगों ने आके नारे लगाए, लोगों ने उनको भगाया। उसके बाद मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ सौरम में कि संजीव बालियान के विरोध में इकट्ठा हो जाओ। ये 2013 की घटनाओं की तरफ इस मुजफ्फरपुर को मत लेकर जाइए। आप 2013 में भी भाग गए थे साहब, इस बार भी भाग जाएंगे। पिछली बार भी हमने भुगता था, सौरम में पुरबालियान में मारे गए थे, पता लेने नहीं आए लोग। ये कभी पूछने नहीं आए सौरम वालों के आंसू, घायल हुए तो भी नहीं आए। उससे पहले पिटाई हुई, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए सौरम में, लोग नहीं आए। आज संजीव बालियान के विरोध में सौरम याद आया। फिर कल कोई घटना होगी आप लोग भड़का के जाओगे,
फिर ये लोग नहीं आएंगे। वे तो हर चीज़ को राजनीतिक नज़र से देख रहे हैं, व्यक्तिगत स्नेह लगाओ किसी से नहीं रखते, दिल्ली वापस चले जाएंगे, ट्वीट जरूर करेंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।